दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन आया शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का तूफान, तो ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गजों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित किया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन से लेकर एरोन फिंच, रिकी पॉन्टिंग ने दोनों की तारीफ कर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी पारी को देख कंगारू दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से किस बल्लेबाज की बैटिंग आपको सबसे बेहतरीन लगी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने आई इंग्लैंड की टीम 319 रन पर ऑल आउट हो गई। और जब बल्लेबाजी करने भारतीय टीम दूसरी पारी में मैदान पर आई तो 126 रन की लीड को आगे बढ़ाते हुए 196 रन दो विकेट के नुकसान पर बनाए और इस मैच के अंदर 322 रन की लीड तीसरे दिन के समापन तक बना ली, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने बयान दिया है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से आज शुभमन गिल ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी की है। आज उन्होंने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को बताया है कि वो खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कुछ मैच में वो गलती कर देते हैं, परंतु इस मैच में जब टीम को उनकी आवश्यकता होती है तो वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम की जिम्मेदारी वाला कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास सबसे बेहतर बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद है और वो अपनी बल्लेबाजी से किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और दोनों से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद टेस्ट के चौथे दिन करता हूँ। तो वहीं शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। भारतीय टीम की तरफ से पहली इनिंग के अंदर कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारत को संभालने वाला कोई भी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, वो बताता है कि दोनों खिलाड़ियों को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलना काफी बेहतर तरीके से आता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारत इतने मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंच पाता और विरोधी टीम पर हावी नहीं होता। तो वहीं एरोन फिंच ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी पहली इनिंग के अंदर की थी, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने धैर्य का परिचय दिया है और शुभमन गिल ने उनके साथ निभाया है, वो बताता है कि दोनों खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित होने वाले। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दोनों बल्लेबाज भारत के सबसे महान बल्लेबाज में से एक बनने वाले हैं। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने हमेशा ही बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करने से आपका क्रिकेट काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ऐसे में दोनों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर अब मुझे लगता है कि दोनों को कठिन परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करना बा चुका है। तो रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि दोनों से बेहतर खिलाड़ी कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा की गैर मौजूदगी में शुभमन गिल के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी और उनकी जगह पर खेलना उन्हें काफी ज्यादा दबाव में डाल रहा था, लेकिन अब उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों की तूफानी बल्लेबाजी को देख मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे दिन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के शतक और शुभमन गिल के अर्धशतक को देख खुश हुए भारतीय दिग्गज, दोनों की तारीफ करते हुए दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक और शुभमन गिल ने तूफानी अर्धशतक लगाकर सभी को प्रभावित किया, जिसको देख भारतीय दिग्गज खुश हो गए। इस बीच सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर ने एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान दोनों को लेकर दे दिया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने शुभमन गिल और
यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट खेला है, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 445 रन बनाए और इसका पीछा करने आई इंग्लैंड की टीम 319 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो 126 रन की लीड हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने तीसरे दिन के समापन तक 196 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए और 322 रन की लीड हासिल करी, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 104 रन बनाए तो वहीं शुभमन गिल ने 65 रन का नाबाद योगदान दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाज नॉट आउट हैं और दोनों की तूफानी पारी को देखकर हर कोई खुश है, जिसकी तारीफ अब चारों तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोनों की तूफानी पारी को देखकर भारतीय दिग्गजों का बयान जारी किया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली है। आज के मैच के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम के लिए इस खिलाड़ी ने अपनी जगह टीम के अंदर पक्की कर ली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस खिलाड़ी ने बेहतर शतक लगाया है और अभी तक नॉट आउट रहे हैं। हालांकि चोट के चलते उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अगर चौथे दिन यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा तो वो और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत के बिल्कुल करीब ले जाने का कार्य भी कर देंगे। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल के अलावा शुभमन गिल का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की खराब स्थिति को बेहतर में ले जाने का कार्य किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि दोनों खिलाड़ी भारत की जिम्मेदारी के साथ बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं कर सकता, लेकिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को समझकर बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने का कार्य किया है। जिस प्रकार से उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम के लिए इस खिलाड़ी ने लंबे समय तक टीम के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली है और उनकी जगह किसी और खिलाड़ी का खेल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने जिस प्रकार से जायसवाल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण समय पर साझेदारी निभाई और साझेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती में ले जाने का कार्य किया, उसके लिए ये दोनों ही खिलाड़ी मुख्य भूमिका निभा पाए हैं। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए आज यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा के विकेट के गिर जाने के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी की है। हालांकि रोहित शर्मा तो कप्तान है, उनको अपनी जिम्मेदारी के बारे में मालूम है, लेकिन उनके अलावा अगर कोई टीम से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है तो वह यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहले भी मजबूती से आगे ले जाने का कार्य किया है और ऐसे ही कार्य एक बार फिर आज उन्होंने कर दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल अभी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और अभी नॉट आउट हैं, ऐसे में चौथे दिन भी खेल तो शायद भारतीय टीम जीत का अंतर भी पैदा कर देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल तीसरे टेस्ट में दोहरा शतक लगा पाएंगे या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।